नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट, एक बार जल्दी से बताएं तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों का। 1 तारीख से ही वेट था एसएससी सीजीएल 2023 का कि नोटिफिकेशन कब आए, तो आज आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है और आप लोगों का जो प्रतीक्षा है वो समाप्त होता है। अब आप लोगों को तैयारी में लग जाना है, एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों का फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है। और टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो इस बार जो आपकी वैकेंसी है 7500 प्लस है, यानी ये टेंटेटिव वैकेंसी है। वैकेंसी आपकी आगे बढ़ेगी भी, इंक्रीज भी होगी, पिछली बार भी आपने देखा वैकेंसी बढ़ी थी, ठीक है, तो इस बार भी बढ़ेगी। 7500 अभी कम पोस्ट नहीं है, तैयारी में आप लोग लगिए। जो स्टूडेंट तैयारी में लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन 100% होगा। इसके लिए हम लोग क्लासेस भी चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आप लोग थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। क्या क्या डेट है, डेट आप सबको पता होना चाहिए। यह आपका आज नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में हम आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए, यह आपका फॉर्म भरा जाना है, कब से फॉर्म आपका भरा जाना है ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे, सारे स्टूडेंट देखिए। 3 अप्रैल, देखिएगा, 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक एक महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने का। और फॉर्म आपको भरना कब है, ये तो फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आप लोग क्या करेंगे, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सभी को पता है हर बार एसएससी का सर्वर जो होता है ना, वो डाउन हो जाता है लास्ट डेट पे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, 2-4 दिन आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन 10 से 12 तारीख तक इसी महीने, 10 से 12 से पहले पहले आप लोग क्या कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर देंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, एक मेंटली रूप से फ्री हो जाएंगे कि फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म का टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई में लग जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है है आपका एग्जाम डेट। एग्जाम डेट तो अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसकी डिटेल बताए थे कि 14 जुलाई से एग्जाम है। तो यहां पे भी लिखा हुआ है जो आपका सीबीटी 1 है, टियर 1 का जो एग्जाम है वो आपका जुलाई 2023 में होना है। और पहले वाले नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया था कि 14 जुलाई से क्या है आपकी एग्जाम होनी है। तो अगर टाइम देखा जाए तो अप्रैल मान लीजिए पूरा महीना, मई एक महीना, फिर जून, उसके बाद से 14 जुलाई 15 दिन आप उसे मान सकते हैं। तो देखा जाए तो लगभग क्या है, 3.5, यानी लगभग देखा जाए तो 100 दिन है। तो हम लोग मान के चलते हैं इसको 90 दिन। क्या मान के चलते हैं, 90 दिन मान के चलते हैं। 90 दिन में आप लोगों को क्या है, तैयारी कंप्लीट करा दी जाएगी। कोर्स हम लोग 2 महीने 2.5 महीने में कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद से आपकी रिवीजन होगी, प्रैक्टिस होगी, सिलेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो सब सारी चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को, अच्छे से देने वाले हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन हम आप लोगों को गुलशन सर के द्वारा दिलाएंगे, क्योंकि गुलशन सर ऑलरेडी एसएससी में कई बार सेलेक्ट हुए हैं, इस बार भी उनका फाइनल सिलेक्शन रहा। तो गुलशन सर आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाले हैं और क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो गुलशन सर को बुला रहे हैं, गुलशन सर आके आप लोग बच्चों को बताइए कि कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का एसएससी मेकर में स्वागत करता हूं। देखिए, एसएससी सीजीएल आपको सबसे पहले बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की कर रहे थे, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, तो इन सब वैकेंसी का क्या है, ये श्योर नहीं है, हर साल आएंगी नहीं आएंगी कुछ पता नहीं है। लेकिन जो आपकी सीजीएल की वैकेंसी है, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यहाँ पे एक चीज श्योरिटी होता है कि हर साल वैकेंसी आता है, रिजल्ट भी हर साल आएगा और इसके बाद सिलेक्शन भी आप हर साल लेते हैं। आपने देखा 18, 19, 20, 21 हर साल वैकेंसी आई, 22 में वैकेंसी आई, कितना जल्दी आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आप एक जगह रेलवे की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप डी की कर रहे थे, एनटीपीसी कर रहे थे 5 साल 6 साल, यूपी पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं 5 साल 6 साल, पता नहीं कब आएगा, कुछ अभी श्योर नहीं है। बट हाँ, एक सीजीएल ही ऐसा एग्जाम है जो एकदम श्योर है आएगा, वन डे एग्जाम है। इसका सिलेबस भी ऐसा है कि हम जैसे लोग जो कि मान लीजिए नहीं बहुत ज्यादा जानते हैं, वो इस चीज को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत ही बेहतरीन आपको पोस्ट यहां पे मिलता है सीजीएल के थ्रू। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, यहां पे आप देखेंगे तो आपको यहां पे पोस्ट दिखेंगे, इतने एक्साइटिंग पोस्ट है ना कि अगर एक बार कोई इस पे सिलेक्शन होता है उसके बाद क्या उसका लाइफ स्टाइल होगा, कितनी बेहतरीन हो जाती है, आपका रिस्पेक्ट इतना बढ़ जाता है सोसाइटी में ना कि वो आप अभी इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एक बार आप सभी लोग यहां पे पोस्ट देखिए, कौन कौन से पोस्ट है यहां पे, देखिए आपको पोस्ट दिख रहा होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो इसमें आपका एक दो पेपर स्पेशल होता है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सबसे एक्साइटिंग यहां पे पोस्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये जो आपके लेवल 7 के जो पोस्ट है ना, जिसमें आपको सैलरी यहां पे दिखा रहा होगा कि 44,900 से 1,42,400 तक है, इसकी इन हैंड सैलरी जो होती है ना, अगर सैलरी की बात करूं तो ये समझ लीजिए करीब 72,000 से 80,000 के बीच में आपको यहां पे सैलरी आती है। सबसे पहले तो ये सैलरी की बात हो गई, और यही इतना बेहतरीन है ना कि आप मतलब सोचिए उसके बाद आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। इसके बाद आप आएंगे पोस्ट कौन कौन से हैं, तो आपके एएसओ होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं सीएसएस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीधा मंत्रालय में आपको जाने का मौका मिलता है और मंत्रालय में भी आपको एज अ ऑफिसर बनकर जाने का मौका मिलता है। इसके बाद आपको बता दूं सबसे जो बेहतरीन पोस्ट, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर, एक्साइज का इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ, सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर भी कहां, तो सीबीआई में,
आप एक चीज सोचिए, आप कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसका फॉर्म 4 साल 5 साल में आ रहा है, उसकी वैकेंसी पता नहीं कितने साल में हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और यहाँ पे एक फॉर्म हर साल आ रहा है, और पोस्ट भी इतने गजब के पोस्ट है, इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल रहा है, ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। पोस्ट देख के ये नहीं कि अरे सर इतना बड़ा पोस्ट है कैसे होगा, नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसान सा एग्जाम होता है, बट हाँ आपको कंसिस्टेंट यहां पे मेहनत करना होगा। तो ये तो था हमारा पोस्ट, ये कुछ बहुत ही बेहतरीन से पोस्ट आपके इस एग्जाम के आते हैं। इसके साथ और भी पोस्ट आते हैं, जैसे आपको एक डिविजनल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है आपको NIA में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब चीजों में थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहां पे आप सब इंस्पेक्टर बन के जाते हैं। ये सारा पोस्ट, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, इसके आगे आपको ऑडिटर बनने का मौका मिलता है, आप CAG में, CGDA में, इन सब जगह पे ऑडिटर बनते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट होती है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखिए, अगर आप बहुत ही अच्छा किए, यहां पे आप समझ लीजिए आपको 45,000 से लेके 80-90,000 तक आपका, कई पोस्ट ऐसे हैं जहां पे 80,000 भी सैलरी है और कई पोस्ट ऐसे हैं जहां पे 90,000 भी सैलरी है, कुछ पोस्ट आपके ऐसे हैं जहां पे 80-90,000 भी आपकी सैलरी है, ठीक। इसके बाद आपका सैलरी बढ़ता भी है, कई सारी आपकी फैसिलिटीज मिलती है, तो एक लाइफस्टाइल जो होता है ना, जिसको बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल माना जाता है, वो आपको यहां पे मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो यहां पे अगर हम बात करें वैकेंसी कितनी आई है, तो देखिए आपको पता है कहीं भी आप देखेंगे ना, तो जो ऑफिसर होते हैं सब लोग ऑफिसर नहीं बन पाते, ठीक है। ऑफिसर वही बनेगा जो पूरे अपने डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि 7500 यहां पे वैकेंसी दिख रहा है, कितना वैकेंसी दिख रहा है 7500, ये लग रहा हो कितना कम वैकेंसी है, नहीं, बहुत वैकेंसी है, हर साल लगभग ऐसे ही वैकेंसीज आ रही है। लास्ट ईयर आपकी 20,000 वैकेंसी आई थी, यहां पर मैं ये कहूं तो ये वैकेंसी अभी बढ़ेंगी, ये समझ लीजिए आपकी वैकेंसी ये 15,000 के करीब जाएंगी, तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, 15,000 कम नहीं होता है, 7,500 भी है ना तो ये कम नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसके लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत करना होगा, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको यहां पर मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये आपका वैकेंसी का डिटेल है। अब यहां पे मैं बताऊं कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसके लिए एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हर एक चीज को यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे एज लिमिट की बात करेंगे, तो यहां पे देखिए एज जो आपका है ना, 1/8/2023 को, 1/8/2023 को आपका जो एज होना चाहिए, ये आप 18 साल कंप्लीट कर गए हो, ध्यान रखिएगा एज आपका काउंट होगा 1/8/2023 से। देखिए कुछ पोस्ट के लिए यहां पे 18 से 27 का एज होता है, कुछ पोस्ट होता है जहां पे 20 से 30 साल का एज रिक्वायर होता है, ठीक है। अगर आप 18 साल के भी हो गए हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक, 18 से लेके 27, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर वगैरह के पोस्ट है, यहां पे अगर 20 से 30 का भी आपका एज है ना, 30 साल के करीब भी अगर कोई बच्चा है, 27 पार कर गया है, तो 30 साल के उम्र तक आपका यहां पे है। इसके बाद मैं बता दूं बाकी आपको कुछ पता है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे आपको ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, SC ST का 5 साल का छूट मिलता है, तो ये सारे एज रिलैक्सेशन भी आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एज का आ गया 18 साल से लेके अगर आप 27 साल 30 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे आपको बता दें, जैसे देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप 2/8/1996, ठीक है, इससे पहले के ना जन्म हुआ हो और आपका 1/8/2015 के बाद का जन्म ना हो, उसके पहले का, इसके बीच का है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ 20 से 30 साल वाले जो बच्चे हैं, अगर आप 2/8/1993 और 1/8/2003 के बीच में हैं, तो आप सारे फॉर्म यहां पे भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़े तो ये तो आपका एज लिमिट है, ठीक। एज लिमिट के बाद आपको पता है कुछ एज में छूट भी मिलता है, जैसे जो SC ST बच्चे होते हैं इनको 5 साल का, OBC वाले बच्चों को 3 साल का, बाकी आपका 10 साल 13 साल, ये सारे कैटेगरी वाइज आपको ये सारे छूट भी मिलते हैं एज में। अच्छा आगे जब इसमें हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सर कौन फॉर्म भरेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हम तो 10th पास है, हम तो 12th पास है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको बता दूं यहां पे कौन कौन फॉर्म भरेगा। अब देखिए यहां पे बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की, देखिए क्वालिफिकेशन, चलिए क्वालिफिकेशन की अगर हम यहां पे बात करें, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, स्ट्रीम कोई भी हो नहीं फर्क पड़ता है, चाहे आपने BA करके रखे हैं, चाहे आप BSc किए हैं, चाहे आप BTech किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किस सब्जेक्ट से किए हैं यह भी आपको नहीं फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स से किया है, कोई साइंस से किया है, कोई मैथ से किया है, कोई फिजिक्स से किया है, कोई फर्क नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक। एक चीज और यहां पर देखने को मिल रही है कि क्वालिफिकेशन 1/8/2023
2023 से यहां पे देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले ग्रेजुएट हो जाते हैं, अगर इससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाता है, रिजल्ट जो कि आपको मैं बताऊं हर जगह जून के महीने में, जून जब तक लास्ट होता है ना तब तक आपका एज निकल मतलब आपका तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप सभी बच्चे जो अभी यहां पे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएट हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कुछ अलग से पोस्ट आती हैं, जैसे आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर आता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर आता है, तो इसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स अलग से मांगा जाता है, और साथ में आपका क्या होता है कि इसका एक पेपर अलग से होता है, ठीक है। तो ये अपना उतना मेन पोस्ट नहीं है, बाकी सारी चीजें आपकी हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आ रही है, कुछ बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, हम फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग यहां पे देखेंगे, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन दियर फाइनल ईयर ऑफ दियर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2023। एक सबसे बड़ी दुविधा मन में थी सभी बच्चों का, जो भी बच्चे फाइनल ईयर में थे वो जानना चाह रहे थे कि सर हमारा फाइनल ईयर है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तभी भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, जो आपका फाइनल ईयर है, आपका जो वो कंप्लीट है, ये आपका 1/8/2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आमतौर पर जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें मैं बता दूं, अभी कई जगह पेपर चल रहे हैं, अप्रैल के महीने में ही कई यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं, कुछ के पेपर मई के महीने में होते हैं, और जून तक आपका सबका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जून तक सभी कॉलेजों का रिजल्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा बिहार वगैरह में कहीं कहीं कुछ लेट होता है, तो वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी लगभग सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे जो भी फाइनल ईयर में है। आपका 1/8/2023 तक सबका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट वगैरह का वेट मत करिएगा, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि सर एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, तो अब इन सब के बारे में हम लोग यहां पे जानेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा, कैसे होगा, तो आपका पता है 100 रुपए का फॉर्म होता है, ये 100 रुपए का फॉर्म होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, सारे बच्चे भर देंगे। देखिए पहले इसमें 3 टियर होता था, टियर 1 होता था, टियर 2 होता था, टियर 3 होता है, लेकिन पता है लास्ट टाइम ही क्या हुआ था, लास्ट टाइम इसका सिलेबस पैटर्न सारा बदल गया था, सिलेबस नहीं पैटर्न बदल गया था। अब सिर्फ 2 ही टियर होगा, आपका टियर 1 एग्जाम होगा, इसके बाद आपका टियर 2 एग्जाम होगा। और सबसे मजे की बात है कि टियर 1 एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, पहले नंबर जुड़ा करता था, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर आप इस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टियर 2 देने लायक हो जाएंगे, और टियर 2 देंगे तो टियर 2 में जो नंबर आएगा ना उसके आधार पर आपका यहां पर सिलेक्शन होगा, ठीक। तो टियर 1 क्या करना है, टियर 1 को आपको बस क्वालिफाई करना है। और टियर 1 में क्या होता है ये सारी चीजें भी देख लीजिए, कैसे होता है, क्या होता है। देखिए एसएससी के लगभग हर एग्जाम का पैटर्न यही होता है, ठीक। क्या होता है, आपका 25-25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएगा जीएस का, 25 क्वेश्चन आएगा मैथ का, और 25 क्वेश्चन आएगा आपका यहां पर इंग्लिश का, ठीक। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यदि 25 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो 50 नंबर आपका हो जाएगा रीजनिंग में, 50 हो जाएगा जीएस में, 50 हो जाएगा मैथ्स में, और 50 हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक। 50-50 नंबर करके यहां पे टोटल आपका 200 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। 1 घंटे का आपका समय दिया जाता है, 1 घंटे में 100 सवाल यहां पे करने होते हैं, आप 1 घंटे में 100 सवाल करेंगे और बहुत ही आराम से हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर 60 मिनट का समय है 100 सवाल कैसे होगा, कुछ बच्चे कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो वो सब कैलकुलेशन में मत फंसिएगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक। इसके साथ बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और जो 2022 में जो कट ऑफ गया था ना, ये समझ लीजिए 114 नंबर के करीब गया था, तो अगर आपका इतना नंबर आएगा, लेकिन पिछली बार सीटें ज्यादा थी, अगर आप यहां पे ऐसा समझ लीजिए कि 125 से 130 नंबर के बीच में बस इतना आ जाता है, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। 125 से 130 के बीच में आएगा, आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहां पे देखिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, आप एनटीपीसी की कर रहे थे, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आप एक चीज देखिए, आप वहां पे रीजनिंग तो पढ़ ही रहे थे, आप जीएस भी पढ़ रहे थे, आप मैथ्स भी पढ़ रहे थे, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे आपका, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, किसी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस ना पूछा जाता हो। एक चीज जो यहां पे आता है ना, इंग्लिश वाला सेक्शन, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन परेशानी थोड़ा सा आप सहेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसी के बाद जाके एक बेहतर आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको बड़ी आराम से तैयार कर लिया जाता है, और बहुत ही अच्छे से हम लोग सारी की सारी चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सारा चीज इतना बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब जब टियर 1 एग्जाम हो जाता है, तो इसमें मान लीजिए कट ऑफ आया और इतना नंबर चाहिए, उसको पास कर जाएंगे, तो टियर 2 के लिए आप चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। अब चलिए टियर 2 एग्जाम में क्या होता है, टियर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए सारे बच्चे टियर 1 क्वालिफाई कर दिए, तो पहुंचे ये सब टियर 2 के एग्जाम में। अब टियर 2 के एग्जाम में क्या होगा, हाइट की जरूरत नहीं है,
कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐसे हैं जैसे कुछ इंस्पेक्टर वगैरह के पोस्ट है, वहां पे हाइट और मेडिकल की जरूरत पड़ती है। बाकी सारा पोस्ट इतना बेहतर है ना कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, कैसे भी हैं आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए हर जगह हाइट की जरूरत नहीं होती है। आपको अगर सिपाही बनना है, आपको अगर मान लीजिए SI बनना है, तो कहीं कहीं आपको हाइट का, चेस्ट का, फिजिकल का, और फिजिकल यहाँ पे बस ये होता है कि आपको चलना होता है, चल के दिखा दीजिए कि चल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये लोग ले लेंगे। ठीक है, आपको बता दें अब टीयर टू में जब जाएंगे तो टीयर टू में दो सेक्शन, तीन सेक्शन हो गया है। ठीक है, जैसे पहला सेक्शन होगा सेशन वन जो आपका होगा ना, तो इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा। ठीक, मैथ्स का यहां पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा ना, एक क्वेश्चन तीन नंबर का होगा, यानी कि 60 दिया आपका 30-30-60 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन तीन नंबर का हुआ तो 180 नंबर का ये हो गया। ठीक, 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहां पे एक घंटे का समय मिलता है। जो इस बार पेपर हुआ है मेंस का, ये इतना आसान पेपर था कि बच्चे यहां पे 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट तक क्या किए थे, जो प्रैक्टिस करके गया था वो 40 45 50 में पेपर को कर लिया था। तो इस बार का तो पेपर आसान था, लेकिन हम आसान के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम हर एक लेवल को कवर करते हुए यहां पे चलेंगे। ठीक है, ताकि पेपर टफ भी आए तो हम उसको कर ले। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वाला आपका सेक्शन खत्म होगा तुरंत इसमें दूसरा सेक्शन चालू हो जाएगा, और दूसरा सेक्शन जो आपका होगा तो इसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और आपका जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होता था, पहले जो टीयर 2 का एग्जाम होता था सिर्फ मैथ आता था और सिर्फ आपका इंग्लिश आता था। तो उसमें क्या होता था, या तो बच्चा, आपको पता है कई बच्चों का मैथ वीक होता है, और जिसका मैथ बहुत ही अच्छा होता है उसका इंग्लिश वीक होता है, तो इसमें बच्चे फंस जाया करते थे। कई बच्चे इसके लिए भर ही नहीं पाते थे, सर मैथ्स आता नहीं है क्या करें। लेकिन अब पैटर्न बहुत आसान कर दिया गया है, मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, GS भी आएगा, हर एक चीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आपका सबके लिए एक फेयर गेम यहां से बनने लगता है। अब इसमें 70 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन तीन नंबर का होगा, तो ये आपका 210 नंबर बन जाएगा। कुल मिला के ये आपका 390 नंबर यहां पे बनता है। ठीक, और 390 में से जो नंबर आएगा इसी आधार पे आपका यहां पे होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है टीयर टू, टीयर वन तो बस क्वालिफाई करना है। अच्छा, एक चीज और यहां पे शामिल किया गया, इस बार कंप्यूटर को शामिल किया गया। अब कंप्यूटर को क्या हुआ, कुछ बच्चों ने बहुत ही हल्के में ले लिया। कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तीन नंबर का यानी 60 नंबर का, 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसको भी बस आपको क्वालिफाई करना है। बहुत से बच्चों ने इसको हल्के में लिया, कुछ बच्चों के 300-300 से ज्यादा नंबर आ रहे थे जो सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन कंप्यूटर को हल्के में लिया तो कंप्यूटर में वो लोग फेल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कंप्यूटर भी होगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। इसके बाद होता है टाइपिंग, और टाइपिंग से कुछ बच्चे डरते हैं। आपको मैं बता दूं, टाइपिंग जो है ना, अगर आप एक महीना भी करते हैं, आपको बस पता है कि कहां पे कौन सी की लगी हुई है, कौन सा की कहां पे है, कैसे हम इसको दबा सकते हैं, अगर इतना भी जानते हैं तो टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। एक महीना टाइपिंग के लिए सफिशियंट होता है, बस टाइपिंग करना आना चाहिए, हर एक की जानकारी होनी चाहिए, अगर इतना है तो टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग यहां पे बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़े लेवल का कुछ होता है, नहीं। आपको यहां पे जो होता है 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं, 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं, अप्रॉक्स 27 वर्ड पर मिनट का होता है, 27 वर्ड आपको एक मिनट में टाइप करना होता है, ये होता है आपका टाइपिंग। ठीक, ये टाइपिंग बहुत आसान होता है, अगर कोई बच्चा शुरुआती दौर में भी है तो एक महीना ट्राई करेगा तो टाइपिंग हो जाएगा। ठीक है, आप टीयर वन का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप टाइपिंग करेंगे ना, तो शुरू में आप टाइपिंग करेंगे, आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको सारा वहां पे गाइड भी करेंगे कैसे आपको टाइपिंग करना होता है। ठीक, तो ये आपका होता है। बाकी कुछ बच्चे जो होते हैं स्टैट्स वाले होते हैं, आपको जिसको JSO बनना है, EEO बनना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग से एक दो पेपर आपके होते हैं। ठीक, बट ये आपका उतना ज्यादा काम की चीज नहीं है। हाँ, जिसको अगर बनना है EEO बनना है, किसी को JSO बनना है, तो उसके लिए ये पेपर आपका होता है, स्टैट्स का होता है, एक जनरल स्टडी जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, पैटर्न हो गया। अच्छा, और एक चीज और बता दे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आप पेपर दे देंगे, पेपर का आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद आपका क्या होगा, एक आपसे ऑप्शन फॉर्म भरवाया जाएगा। इस ऑप्शन फॉर्म में भरना होगा कि आप पहले में प्रेफरेंस क्या देते हैं। इसके बाद आप प्रेफरेंस भरेंगे कि हमको पहले पोस्ट पे ये चाहिए, हमको सबसे पहले बनना है इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर, तो आप ये भरेंगे, हमको उसके बाद बनना है एक्साइज का इंस्पेक्टर, तो वो बनेंगे। ये आपका प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस तभी भरने में मजा आएगा जब आपके पास नंबर होगा, आप इस चीज को पार करेंगे, और सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये चीज क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए टाइपिंग आता है ना तो ये सफिशियंट है, इतना आता है तो आप कर लेंगे। कोई भी बच्चा टाइपिंग नहीं आता, किसी भी सिलेबस में टाइपिंग नहीं होता है, लास्ट में ही बच्चे करना सीखते हैं और खूब बढ़िया से कर लेते हैं। प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आपको बता दे, इस प्रोसेस को इतना फास्ट कर दिया गया है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC कराया करती थी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधा डिपार्टमेंट कराएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे समय में जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो टीयर 3 का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले SSC कराई। ठीक, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले SSC कराई, उसके बाद से फाइनल रिजल्ट आया।
उसके बाद से जब हम लोग ज्वाइनिंग करने गए ना, जिस दिन डिपार्टमेंट में घुसे, तो डिपार्टमेंट में भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका डिपार्टमेंट भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। तो अब क्या किया है एसएससी ने, क्या कहा है कि हम भी करा रहे हैं यही काम, तुम भी करा रहे हो, तो हम अब इस चीज को नहीं कराएंगे। ठीक है, आप लोग करा ही रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वही कराए, डिपार्टमेंट ही कराए, तो अब सीधा डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो यहां पर आपका समझ लीजिए 4-5 महीने का आपका समय बच गया। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऐसे आपका एग्जाम होता है। बहुत ही बढ़िया, आपका यहाँ पे एक मौका है एक आपको बड़ा पोस्ट हासिल करने का। ठीक है, फालतू के एग्जाम में पढ़ने से अच्छा है एक चीज का तैयारी करिए। और जो बच्चा तैयारी करता है ना इस चीज का, जो बच्चा सीजीएल का तैयारी करता है, रेलवे का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकाल लेता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बता दूं, अब देखिए तैयारी होगी कैसे। तो सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपका एसएससी मेकर के ऐप पे एक बैच चलाया गया है, इस बैच का नाम है संकल्प बैच। ठीक, और संकल्प बैच में क्या होगा, आपको हर एक क्लास एकदम जीरो लेवल से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लेवल से नहीं, हमको पता है बच्चा कोई भी आता है उसको बेसिक से चीजों को सीखना है, कई बच्चे इस वजह से नहीं सीख पाते हैं, पहले सिर्फ मैथ आता था तो बहुत लोग आपको पढ़ाते हैं लेकिन चीजें थोड़ी सी लेवल हाई होती है उस वजह से बच्चे सीख नहीं पाते। ठीक है, तो आपको एकदम बेसिक लेवल से, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो यहां से जुड़ के आप हर एक चीज सीख जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, ये कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको हम लोग देंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है। क्लास नोट्स रहेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी है, और यहाँ पे एक डाउट सेशन का भी ऑप्शन है, कोई भी डाउट होता है आप वहां पे पूछ लीजिए। साइंस जो होता है जीएस का पार्ट होता है, जीएस में ही आपका साइंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बैच आपको मात्र 500 में ही ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ठीक, और जो एसएससी मेकर के पुराने छात्र रहे हैं, आप किसी भी बैच से जुड़े हुए थे पहले, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे कूपन कोड लगाइएगा सीजीएल 40 का, और जैसे ही सीजीएल 40 का कूपन कोड लगाएंगे, ये पूरा का पूरा बैच आपको मात्र 300 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ पुराने छात्रों के लिए है जो हमारे पुराने छात्र रहे। ठीक, जो पहले आप मान लीजिए अगर सीजीएल के आरंभ बैच से जुड़े हुए थे ना, तो आप प्रैक्टिस करिए, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद बता दें, ये जो ऑफर है ये सिर्फ 5 अप्रैल तक रहेगा, इसके बाद ये वाला ऑफर भी खत्म हो जाएगा और इसका रेट भी आपका बढ़ जाएगा, इस बात का आप सभी लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा और कुछ आपको देखिए, अपेयरिंग वाला मैंने बता दिया ना कि अपेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 7 में पीएसटी पीएटी नहीं होगा, आपका नहीं होगा, आपका जो एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट है ना, और जो सीबीआई का पोस्ट है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर का, वहां पे आपको थोड़ा सा फिजिकल होगा, वो आपका उसमें भी आपका बहुत ही मतलब आई विजन टेस्ट होता है कि कलर ब्लाइंड आप नहीं हो, और आपको थोड़ा सा चल फिर के दिखाना होगा कि आप क्या 5 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, आप क्या इतना चल सकते हैं, बस इतना ही आपसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज आपका हो गया, ये सारा का सारा डिटेल आपको दे दिए हैं। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको हर एक डाउट का हम अच्छे से वीडियो बना के रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, एकदम जुड़ जाइए, आपको बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि सोचने में ही समय वेस्ट कर दिए, 3-4 दिन का समय लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे उसके बाद क्या होगा, आपका दिमाग से एक चीज तो खत्म हो जाएगा कि फॉर्म भरना है। जो बच्चा 12th किया है ना, तो 12th वालों के लिए सीएचएसएल का एग्जाम होता है, सेम पैटर्न होता है, सीएचएसएल वाले बच्चे भी इसी बैच से जुड़ के पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू तीनों जगह काम आएगा। ठीक है, ऐप पर आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऐप की क्लासेस चालू हो गई हैं, आप जाइए वहां पे देखिए, आपको वहां पे इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जीएस पढ़ाया जाएगा, आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, सब चीज एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए सिलेक्शन लेने के लिए। किसी भी चीज को करने के लिए आपको शुरुआत की जरूरत होती है, वो शुरुआत आपको करना पड़ेगा, वो शुरुआत आपको आज करना पड़ेगा। आपको अगर इंस्पेक्टर बनना है, अगर आप चाह रहे हैं इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसका शुरुआत आपको आज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को, बहुत ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय आपको एसएससी इतना दे नहीं रहा है। ठीक, तो आप लोग शुरू करिए, फाइनल ईयर के बच्चे बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल तक, भर दीजिए, 1 अगस्त तक बस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अगस्त बहुत ही सफिशियंट टाइम होता है, यहां तक सारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है, बस इतना मान लीजिए, यहां तक हर एक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, बस बिहार वगैरह में कुछ एक आध यूनिवर्सिटी है जहां पर लेट होता है, नहीं तो सारे के सारे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है। जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं कि हर यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहा है, डीयू वगैरह में भी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आपका अदर यूनिवर्सिटी में भी पेपर चल रहा है। ठीक है, एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आपका आ जाएगा, कल या परसों में आ जाएगा। इंटरव्यू नहीं होता है, पहले टियर 3 में राइटिंग आपका होता था, रिटन एग्जाम एसे वगैरह लिखना होता था, वो सारी चीजें अब नहीं होती है। आपको बता दें एसएससी मेकर ऐप पे सारी क्लासेस सुबह में रिपीट सुबह में आपका अपलोड होता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से सुबह में ही देख के आपको खत्म करना है। ठीक है,
टारगेट बनाओ कि लेवल 7 में इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी करूंगा। बिल्कुल, मैं आपको कहा था आप बेस्ट पोस्ट का टारगेट करिए। आप टारगेट करिए कि आप 1 से लेकर 100 रैंक के बीच में आए, 1 से लेकर 100 रैंक के बीच में आने का टारगेट करिए। आप नीचे नौकरी के बारे में मत सोचिए। देखिए, अगर संकल्प बैच से पढ़ के आपका नंबर 1 रैंक आ जाता है तो आपको बता दे, ना ही आपको एसएससी मेकर की तरफ से थार दिया जाएगा और ना ही कोई पैसा दिया जाएगा। यह भी चीज आपको पहले ही बता देते हैं। बाद में यह मत कहिएगा सर थार दीजिए, नहीं, वो यहां नहीं मिलेगा। आप सिलेक्शन लेंगे तो आपको यहां पे मिठाई लेके आना होगा, वो आपकी मर्जी है, आप चाहेंगे तो आइएगा, और नहीं भी आते हैं तो बता दीजिएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको करना होगा। अरे एमटीएस वाले बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो आपको कई एमटीएस वाले बच्चों से मिलाऊंगा जो कि एमटीएस में थे और अभी सीजीएल में सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग लग जाइए, मेहनत करिए अच्छे से, ताकि एक कोई भी पोस्ट होता है ना तो उसको आपको मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसे आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पता है बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बड़े सपने देखते हैं तो बड़ा मेहनत करना होगा। एक बार बस आप 6 से 8 महीना मेहनत कर लीजिए ना, आप बस 6 से 8 महीना, ठीक है, इतना मेहनत कर लीजिए। अगर किसी एग्जाम की तैयारी शुरू में किए थे, किसी भी एग्जाम की थोड़ा बहुत जानकारी है, 6 से 8 महीना आप रोज 8 से 10 घंटा पढ़ के देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। किस्मत बदल जाएगी, ये समझ लीजिए, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी, आपके माता पिता का जनरेशन, आपका जनरेशन और आपके आने वाला जो अगला जनरेशन है ना, जो आपके बच्चे हैं, इन सबका जनरेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कोई भी डाउट होगा आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको सारी चीजें हम डाउट क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।